खबर रीवा से है, जहां सिमरिया के अटरिया गांव निवासी गौ सेवक प्रशांत महाराज ने उनके साथ की गई मारपीट और गाली गलौज के मामले में प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गौ सेवक प्रशांत महाराज ने बताया कि वो पूर्वा रोड स्थित बसामन मामा गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां गौशाला में जाकर गायों के लिए की गई व्यवस्था देख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अव्यवस्था को देखते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसे नाराज होकर गौशाला कर्मचारी डॉक्टर शुक्ला और अध्यक्ष गौतम ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए लाख घूसों से बेरहमी से पिटाई की, जिसमें वो घायल हो गए। पीड़ित ने बताया कि पिटाई करते हुए सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के नाम की धौंस दिखाते हुए उनका कुछ भी ना बिगाड़ लेने की धमकी दी, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई गई, पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं की गई, जिससे अब आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। आइए सुनते हैं पीड़ित गौसेवक को, जो न्याय की उम्मीद में भटक रहा है। क्या नाम है आपका? जी प्रशांत पांडे नाम है हमारा। क्या घटना हुई है, कब की घटना? ये 6 तारीख की घटना, 6/5/2022, और मैं 11 बजे गौशाला पूर्वा रोड में बना सावन मामा के पास वहाँ पहुँचा हूँ, और वहाँ अंदर जाने नहीं देते रहे थे, बोले बुलाओ नहीं है किसी को। मैं गाय लेने गया था वहाँ, एक गाय सेवा करना चाहता हूँ। पहुँचा जब वहाँ तो एक कर्मचारी आए, तो कर्मचारी के साथ मैं भी अंदर चला गया, वहाँ कोई नहीं था, एक डॉक्टर हैं गौतम करके, उनके पास जब पहुंचा वहां बातचीत वीडियो बनी पूरी, वहां देखा मैंने कि गाय मर रही है। 3 दिन से बोले पानी नहीं मिला, कर्मचारी बताए 3 दिन से लाइट नहीं है, जगलेटर है तो उसमें डीजल नहीं है। मैंने बोला कि ये कौन करता है, कौन देखता है, बोले हमारे ये विधायक जी राजेंद्र शुक्ला जी देखते हैं। और फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, जब तो उन्होंने मेरे से ताला बंद करवा दिए, अंदर करवा दिए, 100 नंबर फ़ोन लगाना चाहा तो मेरा मोबाइल छीन करके, जब गौतम जी आए अध्यक्ष वहाँ के जो हैं, वो गौतम जी जब पहुँचे तब फिर वो ताला खोलें, और ताला खोल करके फिर वो वीडियो मेरी बनाने लगे, और मेरे बोलते हैं आप लोग जैसे ढोगी बाबा इधर भागते रहते हैं, रोज़ आते हैं, मेरा कुछ नहीं कर लोगे, कुछ नहीं उखाड़ोगे, मेरे नेता मेरे सब रिश्तेदार हैं, ऐसा बोल करके बोले आप अगर FIR करोगे तो वहाँ भी आपको मरवा दिया जाएगा। मेरे साथ हाथापाई भी किए, इसका सब ये आवेदन में लिखा हुआ है, ये सब रिपोर्ट है, मेडिकल है, और कोई कार्रवाई नहीं, आज 5 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन महोदय से निवेदन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से निवेदन है, सभी से निवेदन है, गौ सेवा की सनातन धर्म की रक्षा करें और हमारी मदद करें, यही प्रार्थना है। गाय तो वहाँ कई सारी दफनाई हुई हैं, JCB से जो मरने लगती हैं गाय उनको दफना देते हैं, माटी डाल देते हैं ऊपर से, यहाँ आप लोग उसका जो निरीक्षण करेंगे। आपने शिकायत की है? जी कहाँ कहाँ शिकायत की है इसकी माँ से? ये शिकायत यहाँ भी SP साहब को दिए, कलेक्टर महोदय को भी देना है जा करके, और रीवा सिमरिया थाना में भी दिए हैं। सिमरिया थाना पहले गए तो जब तक TI साहब नहीं बोले तब तक वो कर ही नहीं रहे थे, वहाँ के जो SI लोग हैं वहाँ नहीं करे हमारी FIR। और हमारे साथ सुरेश मिश्रा जी थे, अशोक सिंह जी हैं पूर्वा के, वो देखने वाले हैं, कर्मचारी थे वहाँ के देखने वाले, हमारे साथ हाथापाई भी किए। और बुरी साहब से मिले आप? जी SP साहब से, SP साहब बोले हैं मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ और कार्रवाई होगी, आप परेशान न होइए, कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं वैसे रहता हूँ हैदराबाद में, रामानुजाचार्य आश्रम स्टैचू ऑफ क्वालिटी में, ग्राम मेरा जन्मभूमि अटरिया है, वहीं बसान मामा के पास। जी तो यहाँ कैसे? यहाँ मैं अभी आया था, श्रीमद् भागवत कथा हमारी चल रही थी हरदुआ में सिमरिया में, उसी कारण आया था। तो वहाँ अध्यक्ष अजय शुक्ला जी है कांग्रेस पार्टी से, तो उन्होंने बोला हमको एक गाय चाहिए, तो उन्होंने बोला वहाँ जाकर बात करा दीजिएगा, एक गाय आपको सेवा के लिए मिल जाएगी। वहाँ जब पहुँचा तो ये कहानी बन गई हमारे साथ।